में और हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, बहुत ही अलग और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, ये वीडियो जो है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित है। सबको पता है कि इनका हाल ही में निधन हो चुका है कुछ दिन पहले, और इनसे संबंधित क्वेश्चंस जो है सारी आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बनती है। सो हमने ये वीडियो अपलोड की और आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में हम आपसे पूछेंगे कुछ सवाल और उनके जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर जरूर सेंड कीजिएगा। साथ ही साथ हम उन सवालों के जवाब भी बताएंगे जो आपसे हमने पिछली वीडियो में पूछ रखा था। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 1924 को। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु कब हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 2018 को, यानी कि 16 अगस्त 2018 को दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी की माता कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कि कृष्णा देवी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की माता का नाम कृष्णा देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी के पिता कौन थे, यानी कि उनके पिता का नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा कृष्ण बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी स्नातक कहाँ से पास किए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी बाई विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर, यानी कि उन्होंने स्नातक की शिक्षा जो है लक्ष्मी बाई विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के पिता मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? तो आपका आंसर हो जाएगा बटेश्वर आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ के रहने वाले थे अटल बिहारी वाजपेयी के पिता मूल रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी एमए पास कहाँ से किए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा डीएवी कानपुर से, डीएवी कानपुर से उन्होंने एमए पास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का पत्रिका का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया कब? तो आपका आंसर हो जाएगा 2015 में, और इसकी घोषणा जो है आपको बता दें 2014 में ही की जा चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम बार चुनाव कब लड़े थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार चुनाव जीते कब थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 1957 में बलरामपुर सीट गोंडा उत्तर प्रदेश से उन्होंने पहली बार चुनाव जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी कुल कितने बार प्रधानमंत्री बने? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 बार, 1996 में, 1998 में और 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाला व्यक्ति कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब किए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कब से कब तक रहे? तो आपका आंसर हो जाएगा 1980 से 1986 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंघ पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इन्होंने जो है जनसंघ की स्थापना 1951 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंघ पार्टी का परिवर्तित नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी नाम जो है इसका जनसंघ का परिवर्तित नाम है, और इसको परिवर्तित किया गया था आपको बता दें 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ पार्टी के अध्यक्ष कब से कब तक रहे? तो आपका आंसर हो जाएगा 1968 से 1972 तक। 1968 से 1972 तक अटल बिहारी वाजपेयी जो है जनसंघ पार्टी के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने यूएनओ में, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में, हिंदी में भाषण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सुशासन दिवस के रूप में। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखा गया पुस्तक, महत्वपूर्ण पुस्तक कौन कौन सा है? तो आप देख लेते हैं।
मेरी 51 कविताएं, संसद के 3 दशक, अमर आग, मृत्यु, हत्या, अमर बलिदान और राजनीति की रपटीली राहें, ये अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बारी है हमारे आज के सवाल की। तो हमारा आज का पहला सवाल कि रियो ओलंपिक 2016 में सबसे कम उम्र में भाग लेने वाली महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? और हमारा आज का दूसरा सवाल कि भारत की ओर से रियो ओलंपिक 2016 में प्रथम पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो यदि आप हमारे पिछली वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें तो इनके आंसर्स बहुत आसानी से और चंद मिनटों में दे सकते हैं। और अब बारी है हमारे कल के सवाल की। तो हमारा कल का पहला सवाल था कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा सत्यपाल मलिक। और हमारा कल का दूसरा सवाल था कि मिजोरम के सीएम कौन है, मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा पी ललन थनवाला। दोस्तों, हमारा एक ऐप है करेंट जीके गाइड, उस पर हर रोज़ सुबह 8 बजे 40 प्रश्नों का टेस्ट होता है, और आप उसको प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर ले यदि डाउनलोड नहीं किए हैं तो। और हर रोज़ आप अपना टेस्ट देकर अपना लेवल चेक करें। अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया है, 2-3 दिन में सुधर जाएगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया उसमें। तो आप लोग के बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स देखे मैंने कि क्वेश्चन अपडेट नहीं हो रहा है, पीछे का ही क्वेश्चन है। तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, आप हमें कॉपरेट करें थोड़ा सा। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलती रहें और आप हमारी वीडियोज़ का लाभ उठाते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।